के बाद आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं जहां प्रदेश भर में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। बात करें जोधपुर शहर की तो यहां 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ती बारिश के बाद आज सुबह से ही रिमझिम हो रही है। बारिश अब यहां आफत बनने लग गई है। आज सुबह तक घरों और बस्तियों में पानी भरे होने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। प्रशासन की ओर से जो बचाव और राहत कार्य चल रहे हैं वे ऊंट के मुंह में जीरे की तरह साबित हो रहे हैं। शहर के बीजेएस कॉलोनी के सुल्तान नगर इलाके में घरों में 12-12 फीट तक पानी भर गया है। पुलिस प्रशासन ने मिलकर देर रात नाव से छतों पर चढ़े लोगों को बाहर सुरक्षित निकाला। सुबह सेना भी पहुंच गई। अब नगर निगम की गाड़ियां पानी निकालने में लगी हुई है। वहीं बनार नदी स्थित नट बस्ती में बाशिंदों ने तो रात घर की छत पर बैठकर ही बिताई थी। वही आपको बता दें जोधपुर संभाग में पिछले 36 घंटों में हुई भारी बारिश के बाद कई जिलों में बाढ़ के हालात हो गए हैं और मौसम विभाग ने आगामी 2 दिनों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद जिला प्रशासन ने जोधपुर और जैसलमेर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। संभागीय आयुक्त रतन लाहोटी ने बताया कि जोधपुर शहर में एक ही दिन में हुई मूसलाधार बारिश ने पिछले 90 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, लेकिन प्रशासन की मुस्तैदी के चलते कहीं कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। अभी 2 दिन का और हाई अलर्ट है जोधपुर और जैसलमेर का। इस वक्त हम आमजन से भी अपील करते हैं कि सावधानी आवश्यक है। कोई बहुत ज़रूरी काम हो तभी अपने बहुत तेज़ बरसात में बाहर निकले, अन्यथा जहां पानी भराव की समस्या आती है वहां संभल के रहने की आवश्यकता होती है। सूर्य नगरी जोधपुर में पिछले 36 घंटों से चल रही लगातार बारिश से आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। जोधपुर में इस बार की बारिश ने पिछले 100 सालों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए एक ही दिन में लगभग 8.5 इंच से अधिक की बारिश हो चुकी है और इस कारण जो जोधपुर शहर की अधिकांश बस्तियां हैं जो निचले इलाकों में हैं वो पानी भर चुका है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जोधपुर के जो बनार रोड इसी बीजेएस का सुल्तान नगर है वहाँ के सारे कॉलोनी में पानी भर चुका है। सासी बस्ती है उसके सभी मकानों में पानी घुस चुका है। साथ ही प्रताप नगर हो चाहे वह सास नगर एस सेक्टर हो, शहर के हर इलाके जो निचले क्षेत्र में हैं उनके मकानों में पानी घुस चुका है और शहर की जो मुख्य रोड है जोधपुर जयपुर हाईवे उस पर भी पूरी तरह से जाम लगा है और पानी सड़कों पर 3.5 से 4 फीट तक बह रहा है। बात की जाए अगर प्रशासन के इंतजामों की तो संभागीय आयुक्त रतन लाहोटी से जब हमने बात की तो उनका कहना था कि मौसम विभाग ने अगले दो दिन के लिए हाई अलर्ट की चेतावनी दी है और भारी बारिश की चेतावनी दी है, जिसके बाद प्रशासन ने सेना के जवानों को एनडीआरएफ और जो आपदा प्रबंधन की पूरी तैयारी की है और जहाँ भी पानी भराव के क्षेत्र हैं वहाँ मड पंप लगा करके पानी की बाहर निकासी की व्यवस्था की जा रही है। हालांकि प्रशासन के जो सारे इंतजाम हैं वह ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रहे हैं और लोगों को अभी भी राहत का इंतजार है। लोगों को अभी भी इंतजार है प्रशासन की राहत का ताकि वह पुनः अपने घर में जा सके, क्योंकि अभी भी उनके घरों में लगभग 10 से 12 फीट का पानी भरा हुआ है और इस कारण वे अपने घरों में भी नहीं जा पा रहे हैं। तो फिलहाल जो हालात हैं वे काफ़ी विकट है और बारिश का दौर भी लगातार जारी है, तो निश्चित रूप से जो अगले 48 घंटे हैं वे जोधपुर के लिए काफ़ी बारिश साबित हो सकते हैं। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए जोधपुर से समीर खान के साथ शिवप्रकाश पुरोहित। इधर सिलोही जिले की बात करें तो यहां पर जमकर मेघ बरस रहे हैं। जिले में सभी बांधों में पानी की अच्छी आवक देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटों में लगभग 7 इंच बारिश रिकॉर्ड हो चुकी है। पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र नक्की झील भी अल सुबह ओवरफ्लो हो गई है। वहीं स्थानीय लोग भी नक्की झील का नजारा देखने इस दौरान पहुंचते हुए नजर आए। सिरोही में 3 दिनों से चल रही बारिश के चलते एक जर्जर मकान ढह गया। घटना की जानकारी मिलते ही नगर परिषद के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर मलबा उठाया। वहीं मलबे में कर्मचारियों को एक व्यक्ति भी दबा हुआ मिला। व्यक्ति के मलबे में दबा होने की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचा और जांच पड़ताल कर शव को मोर्चरी में रखवाया गया। बताया जा रहा है कि देर रात यह मकान बारिश के कारण ढह गया था, लेकिन अंधेरा होने के चलते व्यक्ति का शव दिखाई नहीं दे पाया। राजस्थान का कश्मीर इन दिनों वास्तव में कश्मीर नजर आ रहा है। पिछले 24 घंटों से लगातार यहां पर बारिश हो रही है। हम नज़ारा दिखाना चाहेंगे कि यहां पर जो झरने हैं किस प्रकार से
झरने तेज गति से बह रहे हैं और इन झरनों के बीच यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो आने वाला पर्यटक है माउंट आबू, वो यहाँ पर देख सकते हैं कि जान जोखिम में डालकर सेल्फी खींचने का जो आनंद है वो यहाँ पर लेते हुए नजर आ रहे हैं। जो आने वाला टूरिस्ट है यहाँ पर इस मौसम का जमकर मजा ले रहा है। हमारे साथ कुछ पर्यटक भी मौजूद हैं और कुछ स्थानीय भी मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि माउंट आबू में कैसा मौसम है और कैसा मजा ले रहे हैं। सर, माउंट आबू में कैसा मौसम है और कैसा एंजॉय कर रहे हैं? माउंट आबू में बहुत ही सुहाना मौसम है और ये आप हर बार देख सकते हैं कि हर बार माउंट आबू में जब साल दर साल मौसम बढ़ता ही जा रहा है। जैसे पिछली साल था कि माउंट आबू में बहुत तेज बारिश होने की वजह से रस्ते टूट गए, परंतु इस साल प्रकृति ने ऐसा कुछ नहीं कर बारिश हुई है, कंटिन्यूसली बारिश चल रही है माउंट आबू में, परंतु बहुत ही अच्छा मौसम है, सारे झरने स्टार्ट हो चुके हैं। जी, हमारे साथ आबू रोड से भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप आबू रोड से कैसे आए और कैसे एंजॉय किए हैं? आबू रोड से सावन के मौसम के अंदर जो बरसात हो रही है पिछले 4-5 दिन से और माउंट के झरने चल रहे हैं, इन्हें देखने आए। बहुत अच्छा मनोरम दृश्य है और इसको देखकर मन प्रफुल्लित हो गया और इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे पर्यटक भी आ रहे हैं, लोग सेल्फी ले रहे हैं। लेकिन यहाँ गत साल दुर्घटना के बाद भी अभी तक प्रशासन ने कोई एहतियाती कदम नहीं उठाए, किसी भी समय कोई हादसा हो इसके लिए प्रयास करने चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, और पीछे का नज़ारा अवश्य दिखाएं कि लोग किस प्रकार से यहाँ पर एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि जो ऐसे जो स्पॉट हैं जहाँ पर पर्यटकों के आने की संख्या ज़्यादा होती है, ऐसे में यहाँ पर सुरक्षा के यहाँ पुख्ता इंतजाम होने चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना हो तो तुरंत पीड़ित को राहत मिल सके। सहयोगी शरद अग्रवाल के साथ कमलेश प्रजापत, फर्स्ट इंडिया न्यूज, माउंट आबू, सिरोही। वहीं अगर बात करें कोटा की तो यहाँ भी बारिश का दौर लगातार जारी है जिसके चलते जनजीवन खासा प्रभावित हो रहा है। जिला प्रशासन ने अलर्ट के बाद निचली बस्तियों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। वहीं चंबल नदी पर बने बांधों से लगातार हो रही पानी की निकासी के चलते कोटा बैराज से भी लगातार पानी की निकासी की जा रही है। आज सुबह से ही बैराज के 5 गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। प्रदेश में इस साल बारिश आफत बनकर सामने आई है और कोटा संभाग भी उससे अछूता नहीं है। इस वक्त हम खड़े हैं कोटा बैराज पर, आप देख सकते हैं यहां से लगातार पानी की निकासी की जा रही है और पिछले 8 दिनों की बात करें तो अब तक 3.25 लाख क्यूसेक यहां से पानी जो है वो निकासी किया जा चुका है। लेकिन जो ये एरिया दिख रहा है चंबल का, ये जो एरिया है इसका निचला जो इलाका है वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। कई सारी बस्तियाँ जो है वो जल भराव में आ गई है। जिला प्रशासन की ओर से मुनादी करवा के बस्तियों को खाली करवाया गया है और उनको आश्रय स्थल में भिजवाया गया है जहां पर जिला प्रशासन की ओर से लोगों के लिए व्यवस्थाएं की गई है। लेकिन जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है उससे लगातार जिस तरह से चुनौतियों का सामना जिला प्रशासन को करना पड़ रहा है क्योंकि संसाधन कम है और जो बारिश है वो इस साल अपना रुद्र रूप अपना रही है। किस तरह निकासी की जा रही है? जो पानी ऊपर से आ रहा है इस तरह पूरा पानी नीचे निकाला जा रहा है नदी में जी। तो क्या किस तरह से आवक हो रही है और फिर आप लोग उसको कर रहे हैं? नहीं, जो बरसात या जवाहर सागर से जो बीच में बरसात का पानी और जवाहर सागर जो पानी आ रहा है ऐसे कैसे हम अपने गेटों से डिस्चार्ज कर रहे हैं पानी। सुरक्षा की भी बात आती है, क्या किस तरह के एहतियात बरते जाते हैं? सायरन बजाए जाते हैं, पुलिस भी उससे भी मछुआरों को हटवाया जाता है और पुलिस की व्यवस्था भी यहाँ ठीक ठाक बनी हुई है। लगातार जो कोटा में बारिश हो रही है इस साल, वो बारिश जो आंकड़ा जो है पिछले सालों की अपेक्षा इन दिनों में वो बारिश का आंकड़ा कम रहता था, लेकिन इस साल जो बारिश हो रही है वो लगातार बारिश जो है आफत बनकर सामने आ रही है। कई सारे गांवों के जो मार्ग हैं वो कट चुके हैं, यातायात जो है काफ़ी प्रभावित हो रहा है। इसके साथ ही कई गांव जो है वो टापू बन गए हैं। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं जरूर की जा रही है लेकिन व्यवस्थाएं जो है पूरी तरह से ज़मीन पर जो है हकीकत जो है उसकी वो पूरी तरह से लोगों की सुविधाएं जो उनको मिलनी चाहिए थी वो अब तक नहीं मिल पा रही है और अब उम्मीद की जा रही है कि ये जो बारिश है इसका दौर थमे ताकि जो लोगों की ज़िंदगी जो पटरी से उतर गई है वो पटरी पर वापस लौटे और महकमे को जो चुनौती मिल रही थी उन चुनौतियों से थोड़ी सी राहत मिले। कोटा से फर्स्ट इंडिया के लिए कैमरा पर्सन मुकेश शाकेवाल के साथ शाकिब। वहीं राजधानी जयपुर में लगातार रुक रुक कर चल रहे बारिश के दौर के बाद लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश के बाद राजधानी की सड़कों पर पानी ही पानी नजर आया। सी स्कीम, बनी पार्क, झोटवाड़ा, गांधीनगर, बजाज नगर आदि इलाकों में सड़कों पर 3 से 4 फीट तक की पानी की चादर चलती रही।
राजधानी जयपुर के अंदर ये बारिश का नज़ारा भले ही लोगों को देखने में अच्छा लग रहा हो, लेकिन पूरे राजस्थान का हाल जो है वो पानी पानी हो चुका है। राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले सहित तमाम जिलों, कई और जिले हैं जहां पर जो तय प्रतिशत से बारिश होनी चाहिए थी उससे ज़्यादा बारिश जो है, अनुमान से भी ज़्यादा बारिश हो चुकी है। आपको बता दें कि पूरे मानसून में जिस बारिश का इंतजार बड़ी बेसब्री से किया जा रहा था और राजस्थान को जिसे रेगिस्तान कहा जाता है, लेकिन इस बार मानसून के अंदर पूरी तरह से पानी पानी हो चुका है और राजस्थान के जयपुर सहित तमाम जिलों के अंदर लगातार बारिश का दौर जारी है, जिससे लगातार कुछ एक जिलों के अंदर तो हालात भी खराब होते जा रहे हैं। राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान के अंदर बाढ़ से बचाव के लिए राजस्थान की सरकार ने आर्मी के साथ संपर्क भी साधा हुआ है और कहीं ना कहीं जो कंट्रोल रूम्स बने हुए हैं वहां पर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है कि किसी न किसी तरह से बारिश से प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा सके। लेकिन यह कहना भी कहीं गलत नहीं होगा कि इस बार मानसून की बारिश ने, मेघ मल्हार ने कहीं ना कहीं राजस्थान के लिए खुशहाली के संकेत दे दिए हैं। कैमरा पर्सन त्रिलोक के साथ लवली वधवा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर। तो प्रदेश भर में बारिश का दौर लगातार जारी है, वहीं प्रशासन भी सभी तैयारियों को लेकर मुस्तैद बना हुआ है। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज और ज्यादा जानकारी को आप हमारी वेबसाइट firstindianews.com पर भी देख सकते हैं। नमस्कार।